तृतीयाध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, जयायसि चेत् कर्मन्नस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको गुणातीत भक्ति विषयनी बुद्धि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ माननी है, तो हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध रूप कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं? व्यामिशनेव वाक्येन बुद्धि मोयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्तया येनो शयम् आपनुयम्। आपके नाना अर्थबोधक वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप उस एक बात को निश्चय पूर्वक बतावें जिससे कि मेरा कल्याण हो। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, पूरा प्रोक्त मया नघ, ज्ञान योगेन संख्ययना, कर्म योगेन योगिना। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही प्रकष्ट रूप से बताया है कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा अर्थात नित्य स्थिति होती है। सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग द्वारा तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग द्वारा होती है। ना कर्म नाम अनारंभान निष्कर्म्यं पुरुषो आश्नुते, नाच संन्यासनादेव सिद्धिं समधि गच्छति। शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठानों को नहीं करने से पुरुष निष्कर्म्य रूप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, एवं केवल कर्मों के त्याग से भी अशुद्ध चित्त वाला पुरुष सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत्, कार्यति हि अवश कर्म सर्वा प्रकृति जनेर्गुणे। कोई पुरुष किसी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेष आदि गुणों के अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्म इंद्रियानि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन, इंद्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूल व्यक्ति अपने कर्म इंद्रियों को संयमित कर मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वे मिथ्याचारी कहलाता है। यस्तव इंद्रियानि मनसा नियम आरभते अर्जुन, कर्मिंद्रियः कर्मयोगम आसक्त सविशिष्यते। हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर फल की कामना से रहित होकर कर्म इंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं, वह श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मा त्वम कर्म जे आयो ही अकर्मना, शरीर यत्रापि चाते ना प्रसिद्धेत कर्मना। तुम संध्या उपासना आदि नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कोई कर्म ना करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञनार्थात कर्मनोनत्र लोकोयम कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगः समाचर। हे कुंती नंदन, श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है, अतः तुम फल आकांक्षा रहित होकर भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति आचरण करो। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा
उरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस विश्वध्वमेश वो अस्ति इष्ट कामधु। आदि काल में यज्ञ अधिकारी ब्राह्मणों की सृष्टि कर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों की अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला होवे। देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेया परं वाप्यस्यथा। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं का प्रीति विधान करो और देवतागण फल प्रदान कर तुम लोगों को प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तेर्दतान अपराधेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। देवता गण प्रसन्न होकर तुम लोगों के अभीष्ट भोगों को प्रदान करेंगे, अतः जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को देवता को अर्पित किए बिना ही भोग करता है वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा भुञ्जते ते तव अघं पापा ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही अन्न आदि पकाते हैं वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। अननाद भवन्ति भूतानि प्रजन्नयाद अन्न संभवा यज्ञार भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। कर्म को वेद से उत्पन्न जानो और वेद को अच्युत से उत्पन्न जानो, अतएव सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्त्यतिह यः अघायु इंद्रिया रामो मोगं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रवर्तित कर्म चक्र का आचरण नहीं करता है वह पापरत और इंद्रियासक्त होकर व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्तव आत्मरतिर एव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मराम है और आत्मा ही में ही तृप्त रहने वाले हैं एवं आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रया। आत्मराम पुरुष को इस जगत में ना तो कर्म के अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होता है, ना ही कर्म के अनुष्ठान को नहीं करने से कोई दोष होता है। उनको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तस्मद् असक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचर आसक्तो हि आचरम् कर्म परम् आपनोति पुरुषः। अतएव तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है।
कर्मन एव हि संसिद्धिम् अस्तिथ जनकाधयः लोकसंग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक आदि राज ऋषियों ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था, अतः लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवातरो जनः से यत् परमानं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं, वे जो कुछ भी प्रमाणित करते हैं अन्य लोग भी उनका अनुवर्तन करते हैं। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त वाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, यद्यपि मेरे लिए कुछ भी करने कर्म नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त और प्राप्त करने योग्य नहीं है, तथापि मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। यदि हियम् न वर्तयम् जातु कर्माणि अतिन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मानुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि कभी मैं सावधानी पूर्वक कर्म में प्रवृत्त ना हूँ तो निश्चय ही सभी मनुष्य सर्वतो भावेन मेरे पथ का अनुकरण करेंगे। उत्सीद्योर इमे लोका ना कुर्जम कर्म चेदहम संकरस्याचा कर्ता स्याम उपहानयाम इमहा प्रजा। यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का प्रवर्तक बन जाऊंगा। इस प्रकार मैं ही इन सारी प्रजाओं के नाश का कारण बनूंगा। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकेशुर लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं लोक शिक्षा के इच्छुक ज्ञानी व्यक्ति भी उस प्रकार ही अनासक्त होकर कर्म करें। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम योज्येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन। ज्ञान योग के उपदेशक अज्ञ व्यक्ति को उस उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करेंगे कि कर्म त्याग कर ज्ञान का अभ्यास करो, बल्कि समाहित चित्त से अर्थात अनासक्त होकर स्वयं सभी कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए अज्ञ व्यक्ति को भी कर्म में नियुक्त करेंगे। प्रकृते क्रियामानी गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित चित्त वाला व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि मैं करता हूँ। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु अर्जुन, जो इस तथ्य से परिचित हैं कि आत्मा गुण और कर्म से पृथक है, वे तत्वविद पुरुष कर्तापन का अभिमान नहीं करते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां तो अपने अपने विषयों में रत हैं, किंतु मैं उनसे पृथक हूं। प्रकृति गुण समूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये। प्राकृत गुणों में आविष्ट पुरुष विषयों में आसक्त होते हैं, जो सर्वज्ञ हैं वे उन अज्ञ और मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विचलित नहीं करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि
संन्यास्यध्यात्मा चेतसा निराशो निर्मिम्मो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। आत्मनिष्ठ चित्त से सभी कर्म मुझे समर्पित करते हुए निष्काम ममता शून्य और शोक रहित होकर युद्ध करो। ये मे मताम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्ध्यान्वतो अनुशूयन्तो मुच्यन्ति ते अपि कर्म भी। जो सभी श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित व्यक्ति मेरे इस अभिप्राय अर्थात निष्काम कर्म योग का नित्य अनुसरण करते हैं वे भी कर्म के बंधन से मुक्ति लाभ करते हैं। ये ते एतद् अभ्यासयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञा विमूढांस्तां विधि नष्टान चेतसः। किंतु जो दोष आरोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुवर्तन नहीं करते हैं तुम उन सभी को विवेक रहित समस्त प्रकार के ज्ञानों से वंचित और सर्व पुरुषार्थ से भ्रष्ट जानो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानर्वानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। विवेकवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। सभी जीव प्रकृति का ही अनुगमन करते हैं अतएव इंद्रिय निग्रह क्या करेगा। इंद्रिया से इंद्रिया से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर्न वशम गच्छे तो ही अस्या परिपन्नितो त्योर्न वशम अगच्छे तो ही अस्या परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिया का अपने अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष अवश्यंभावी है अतः तुम उनके अधीन मत हो क्योंकि राग और द्वेष साधकों के कल्याण के विरोधी हैं। शयान सा धर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। भली भांति अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा किंचित दोषयुक्त स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने अपने वर्म आश्रमोचित स्वधर्म के पालन में मर जाना भी अच्छा है परंतु परधर्म भयावह है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्षनेया बलाद् इव नियोजितः। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण फिर यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर ना चाहते हुए भी बलपूर्वक नियोजित होने के समान पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधीनम इह वेरिना। श्री भगवान ने कहा ये काम ही क्रोध में परिणत होता है एवं रजोगुण से उत्पन्न सर्वभक्षी और अतिशय उग्र इस काम को ही जीव का प्रधान शत्रु जानो। धूमेनावृते वनेर यथा दृश्यो मलिन च यथोल्बलेनावृतो गर्भ तथा तेनादम आवृतम्। जिस प्रकार आग धुएं से दर्पण धूल से और गर्भ जरायु से आवृत रहता है उसी प्रकार ये ज्ञान काम से आवृत रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्यं वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेनान लेन च। हे अर्जुन इस कभी पूर्ण न होने वाले अग्नि के सदृश काम रूप चीर शत्रु से ज्ञानी का ज्ञान आवृत है।
इंद्रियानि मनोर्बुद्धिर् स्याधिष्ठानम् उच्यते एतिर्विमोहयेति एष ज्ञानमावृत देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थल कही जाती हैं। ये काम इनके द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर जीव को विमोहित करता है। तस्मात्त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियमः भरत शवः पापमानं प्रजाहियेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। अतः हे अर्जुन, तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत कर ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पाप रूप इस काम को विनष्ट करो। इंद्रियानि प्राणि अहोर इंद्रियाभ्य परम मनः मनस्तु पर बुद्धिर् बुद्धिर् या परतस्तु सः। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। मन इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, किंतु बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, एवं जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्याय आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम्। हे महाबाहो, इस प्रकार जीवात्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर कामरूप शत्रु को विनष्ट करो। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णो अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः।